जमशेदपुर में रहती है। तुम्हें भी लड्डू खाने हैं कुटकुट? हाँ मच्छी। भीम, चुटकी के घर में चोर आ गए, कुटकुट हमें बुलाने आई है। चलो चलो जल्दी से। सब इतने गुस्सा क्यों हो? क्या कुटकुट ने कुछ किया? अरे हमें गलत फहमी हो गई थी। मुझे माफ कर दो भी, कुटकुट की वजह से सबको दिक्कत हुई है। हाँ, अपनी बहन को बोलो कि जब ढंग से बोलना नहीं आता तो मुंह बंद ही रखे। नहीं नहीं सब ठीक है चुटकी। अगर मुझे इस लूट के माल के साथ किसी ने देख लिया तो मैं मुश्किल में पड़ जाऊंगा। क्या हुआ? ये तो तमाशी लाल है। मुझे डर लग रहा है। शांत रहो कुटकुट। ये क्या, ये बच्चे तो बिल्लियों की तरह लड़ रहे हैं। ओहो। नहीं बचाओ, बचाओ। अच्छा मेरी गलती है कि कालिया, वो देखो वहाँ से हम बाहर निकल सकते हैं। और इसकी बात कोई समझ भी पाएगा क्या? कुटकुट जल्दी आओ। ये क्या बोली जा रही है? दादा ही लंबा आदमी था, टल्ला और टुटकी को उसने पकड़ लिया और पिंडले में डाल दिया। चलो चलो चलो। वहाँ देखो भीम, वो लई टुटकी। हाँ दिख गई। भीम तुम आ गए। भीम ये बच्ची बाहर कैसे आई? सब ठीक? यहीं पर रुकना तमाशीलाल। मुझे माफ कर दो, मैं तुम पर बेकार में नाराज हो गई थी। कोई बात नहीं। केले, मीठे केले। तीन थे भाई, ये वो और मैं। इस बंदर का घर कितना अच्छा है। ये सोता बंदर बाहर और हम तीन अंदर। जग्गू का कोई पता नहीं। तुमने देखा उसे चुटकी? नहीं भीम। हम उसे ढूंढने जा रहे हैं, चलोगी चुटकी? नहीं, वो जंगली बंदर पेड़ों पर झूल रहा होगा। तुम कहीं नहीं जाओगी चुटकी। पर माँ,
मौसी, जग्गू हमारा दोस्त है। कोई जंगली बंदर नहीं। अरे बंदर भी कभी इंसान का दोस्त होता है? जग्गू कहाँ है? पता नहीं भीम, पर वो जानता है कि हम सैर पर जाने वाले हैं। अब तक तो उसे आ ही जाना चाहिए। कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं भीम? जरूर कुछ गड़बड़ है। चलो दोस्तों। जग्गू, हम तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गए। पर ये सब क्या है जग्गू? उन तीनों बंदरों ने ले लिया मेरा घर। तीन बंदर? सुनो जग्गू, चले जाओ। कभी नहीं, पकड़ लो इन्हें। अच्छा हुआ तुम दोनों आ गए। जग्गू अकेला मेरी मदद नहीं कर सकता था। मुझे नहीं पता था कि यह बूढ़ा कारीगर जंगल के उस तरफ रहता है। मैं तो थक गया। काफी देर से इसे धक्का लगा रहे हैं। क्यों ना थोड़ी देर के लिए आराम कर ले? हैं? तुम सबको तो सच में आराम की जरूरत है। भीम तो थका हुआ है। इसकी आंखों के सामने इसकी अलमारी उठा ले जाते हैं। और भीम कैसे हो? इस अलमारी में क्या लेकर आए हो हमारे लिए? हमें भी नहीं पता कि इस पुरानी अलमारी में दादी ने क्या रखा है। हम इसे कारीगर के पास ले जा रहे हैं। चलो चलो उठो तुम सब, इस बग्गी को धक्का दो। अब इस अलमारी में जो भी होगा वो हमारा होगा। चलो धक्का दो इसे। देखो वो रहा कारीगर का घर। क्या चाहिए हमसे? ये पुरानी अलमारी खुल नहीं रही है। आप हमारी मदद करेंगे? देखना है।
ये क्या मजाक है, इसमें तो अचार भरे हुए हैं। ये लो, मेरी दादी को अचार बनाने का शौक था। इस अलमारी को यहाँ तक लाने के लिए धन्यवाद। बेवकूफ लड़की, तुम्हें लगता है कि हम तीनों अचार लेकर खुश हो जाएंगे? तुम्हें अब पता चलेगा कि हम कितने खतरनाक हैं।